देखो देखो जंतुरा देखो ना हमार बादशाह छोटो वाला रे छोटो तो भाई निकल चुके हैं अभी इसने पढ़ा दिया हमारा निकल रहा है और भाई पैसा तो मेरे पास में कभी भी होता ही नहीं है, आज भी नहीं है, कल हो सकता है आप लोगों की वजह से, बट अभी नहीं है मेरे। अरे वो भैया जल्दी आ जाओ यार, अभी भरा लेते हैं, बाद में टाइम पर भटक बोलूँगा यार। तो गाड़ी में खाना जा रही है अभी, देख सकते हैं, खा ले बेटा। पेट्रोल पंप में बढ़िया वाला रिएक्शन मिल गया लोगों का, वाह 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 चाचा बहुत अच्छा। हाँ लोग गाड़ी को ऐसे तिरछा करके रोड के बीच में लगा कर भाग जाता है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ओ भाई लहरा लहरा यूट्यूब देखो हा? यूट्यूब देखो हाँ हमारे चैनल टे जाना आरआर ब्लॉगर 13 लिखो मुखे बोलबे आरआर ब्लॉगर 13 ठीक है हमारे चैनल पर देखो। बाय बाय
का हस्ती लो आगे ले भाई लोग अभी कई किलो मैंने मौके में बच जाए भाई तो बढ़िया ना हम लोग तो तो गाइस चलो फिर से निकल जाते हैं यहाँ पे शोरूम की तरफ। तो बस उससे पहले हम लोग थाने की तरफ बैठे हुए फोटो वाला फोटो होगा आज है नेक्स्ट डे और मैं पहुंच चुका हूँ घर। और घर आने के बाद मैंने मेरा गाड़ी तो देखा वहाँ पर, जो मेरा गाड़ी के साथ प्रॉब्लम जो हुआ था मैंने सर्विसिंग में कराने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ था वो सारा कुछ सॉल्व कर दिया था, बट उतने भी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया था कि मेरा गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, ऐसा नहीं। शोरूम से निकलने के बाद थोड़ा बहुत हाँ स्मूथ होता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा ही होता है क्योंकि तभी सर्विसिंग किया होता है। और सर्विसिंग करने के बाद आप लोग जानते हो जैसे गाड़ी नया जैसे खरीदे था आप लोग ऐसा ही हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारा नट होता है, काफ़ी सारा चीज़ होता है गाड़ी का जो ढीला हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है तो उन लोगों को टाइट करता है, मोबाइल वगैरह चेंज करता है। जैसे मेरा गाड़ी पे आज क्या क्या मतलब चेंज हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो सबसे पहले इस चीज़ को इग्नोर करना, इस दोनों चीज़ को कुछ हुआ नहीं है। एक चीज़ हुआ है जो है मेरा बाल मैंने कटवा दिया फुल एकदम, मैं गंजा तो नहीं हूँ लेकिन एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा कर दिया, इसलिए मैंने ये वाला चीज़ पहना हूँ। और ये वाला मास्क तो पहना हूँ क्योंकि इसके साथ ये मैचिंग कर रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ ये पहनने से मेरे मूंछें भी मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग देखे होंगे थोड़ा थोड़ा मेरा निकला था और मैं उसे कटा दिया, तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है मेरे को देखने में गंदा लग रहा है, बट मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, बट मैंने सोचा नहीं यार सिर्फ और सिर्फ बाल के लिए क्यों नहीं वीडियो बनाया जाए, चलो बनाए देते आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताए देते कि क्या क्या मेरा खर्चा आया और कितना खर्चा आया मेरा सर्विसिंग के। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, ठीक है, 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आइए क्योंकि मेरा जो सर्विसिंग का डेट था वो मैंने फेल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मेरा डेट नहीं फेल हुआ था एक्चुअली, मेरा किलोमीटर जो है किलोमीटर मतलब क्रॉस कर गया था 9000 के ऊपर क्योंकि मेरा किलोमीटर था 9000 में। और पता नहीं यार मैं किस वजह से किस गलत फहमी में मैं 10000 पकड़ के बैठा था और मैंने मेरे गाड़ी को कितना चला दिया, लगभग तब चलाया हुआ था मेरा 9700
20 किलोमीटर ऐसा कुछ चलाया हुआ था, ठीक है, तो इतना ज़्यादा चला दिया था, इसलिए बोला कि 700 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है आपका गाड़ी, तो सर्विसिंग पे आपको पेड सर्विसिंग करना पड़ेगा, आपका पैसा लगेगा, ठीक है। उसका चार्ज था 590 रुपया बोला था, लेकिन उन लोगों ने, मैंने भैया बोला कि थोड़ा बहुत, मतलब वो था थोड़ा सा, तो पता नहीं क्या किया, मैंने बोला भी कुछ नहीं था ऐसा कुछ कि भैया कम करो और करो, ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला भैया थोड़ा सा नहीं होगा ऐसे, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए मेरी तरफ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जा रहा है। बोल रहा है ठीक है देखता हूँ मैं, ठीक है बोलता है, लेकिन पैसा तो लगेगा ही आपको। तो भैया ने 500 रुपये में कर दिया था, बाकी आप वीडियो देखो क्या क्या मैंने चेंज किया। इस गाड़ी का हो चुका है काम, बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि अभी वक्त लगेगा, 3 बजे के बाद ही गाड़ी देगा। गंदा गाड़ी हर वक्त रहता है, ठीक है, हर वक्त मेरा गंदा गाड़ी रहता है, क्योंकि आप लोग जब भी देखोगे वीडियो बनाती हूँ मैं, तभी मेरा गाड़ी गंदा रहता है, क्योंकि एक्चुअली में मैं रहता हूँ गांव साउड में, यहाँ पर देख सकते हो गाइस गांव है यार, वहाँ पर अगर जाऊँगा थोड़ा, वहाँ से आया मैंने, वहाँ से लेके ऐसे आया, ठीक है, ये रोड है और ये जगह देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखो एक वीडियो आप लोग हुईली के ऊपर में जो वीडियो था वो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर मैं बनाया था, और बाकी यहाँ पर गाँव साइड है तो यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर ज़्यादा कीचड़ है, ठीक है, कीचड़ अभी मैं घुसा के ले रहा आ रही हूँ गाड़ी को, बट टायर में है नहीं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो रेत है, तो इस रेत की वजह से हट चुका है। अभी मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ, इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर, मोबाइल, और उसके बाद हो गया आपका क्या क्या चेंज किया था, मैं भी भूल गया यार क्या क्या चेंज हुआ था, हाँ क्लच जो ये वाला चीज़ होता है, वायर, क्लच ब्रायर, ये सब चेंज हो गया था, और ब्रेक भी थोड़ा सा ढीला, तो ब्रेक को भी मैंने बोला थोड़ा सा कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक पे थोड़ा सा हाथ भी नहीं लगाया उन लोगों ने, ब्रेक एक ही जैसा है, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली में MT15 के ब्रेक पता नहीं यार, जो भी बोलो शोरूम वाले ले जाके बोलो कि शोरूम वाले को मैं बोलता हूँ कि भाई ब्रेक थोड़ा सा कम है, ये ब्रेक ऐसा कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है ABS है, वो है, भाई मैं गवार नहीं हूँ यार, मैं गवार नहीं हूँ, मुझे पता है मतलब गाड़ी के लेके अगर संबंध में कुछ बोलोगे मेरे को, अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है, क्लच प्लेट से शुरू करके आपका कुछ भी बोल दो मेरे से, अच्छा मेरा को नॉलेज है कि क्या चाहिए और क्या कैसे काम करता है, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है, हाँ हो सकता है टायर के अंदर हवा कैसे भरा जाता है वो नहीं जानती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंजन के बारे में काफ़ी सारा चीज़ों के बारे में मैं जानती हूँ। वो लोग बोलते हैं ब्रेक ऐसे काम नहीं करता है, तो मैंने देखा भाई मेरे पास ये और भी गाड़ी है जो है, जैसे KTM 200 देखे होंगे आप लोग, ठीक है, KTM 200 है एक भैया के पास, उसके पास एक दोस्त के पास, मेरा एक दोस्त के पास R15 है, ठीक है, NS भी है, काफ़ी सारा गाड़ी है, ठीक है, स्कूटी भी है भाई, स्कूटी भी मैंने देखा है ब्रेक अच्छा खासा काम करता है, बट इसका ब्रेक काम नहीं करता यार, मैंने देखा ब्रेक इसका एकदम लूज़ है, मतलब फालतू का ब्रेक है, अगर कोई घुसर जाएगा अचानक ना, मतलब पहले अच्छा लगता था, अचानक से मतलब अच्छा लगता था कि डिस्क ब्रेक है तो डिस्क ब्रेक में अच्छा लगेगा यार, अच्छा लगती भी थी, बट अभी क्या हुआ है कि ब्रेक इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि ब्रेक लगना ही नहीं जाता यार, और क्या करूँ, ठीक है, तो बाकी ये सब बातों को साइड में रखते हैं, बाकी आप लोग बोलते हैं क्लच को चेंज, गियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे को कि गियर मतलब एक नंबर में रह रही है ना, एक नंबर से दो नंबर उठा रही हूँ तो दो नंबर गियर में न्यूट्रल दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी चल रही है दो नंबर गियर में, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये वाला प्रॉब्लम था। उसके बाद 6 नंबर भी ऐसा हो रहा था, गाड़ी बहुत ही तेज़ी से, मतलब मेरे को बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे वो गियर चेंज करने के लिए, तो ये सब काफ़ी सारा प्रॉब्लम था जो मेरा गाड़ी चला है लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है चल गया है, तो 20 से 30 किलोमीटर चलाने के बाद ही मेरा गाड़ी में फिर से वही प्रॉब्लम आने लगा है, क्लच भी हार्ड होने जा रहा है, ठीक, उतना ज़्यादा टायर जो सॉफ्ट था मतलब एकदम लाइटली मेरा था तो बिगड़ गया, वो भी टाइट हो गया, गियर पर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है और थोड़ा और को भूल ही गया कि चैन ल्यूब क्या है, लेकिन अभी मैं चलाऊंगा तो फ़ोन पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही है चैन में, मतलब ल्यूब का कोई चीज़ ही नहीं है, सब कुछ हट चुका है, देखो चैन मतलब यहाँ से मुड़ रही है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला चीज़ देख सकते हो गाइस, ये वाला देखो एकदम से जैसे ऐसे मुड़ के रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब चैन में कोई भी कुछ क्लीन कुछ नहीं हुआ है, ये मैं खुद से क्लीन किया, ये सब गंदा हो चुका था, सब कुछ क्लीन किया, मतलब ये जो काला कलर का होता है ना गाइस इसमें, और कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर गाड़ी खरीदती हो, नया गाड़ी लेती हो, तो 3 सर्विसिंग शोरूम पर कराना चाहिए, ठीक है, मतलब चाहिए मतलब क्या है, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं करता साले लोग, फालतू में पैसा ले लेते हैं, ठीक, उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, जैसे मतलब कुछ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शोरूम ले जा रहे हैं, मतलब इतना मेरा यहाँ से दूर लगभग 100 किलोमीटर है पुरुलिया, ठीक है, 100 ही पकड़ लो, ठीक है, ऐसा
ठीक है, नहीं तो 80 हो जाता है, ठीक है 80 हो ही जाता है। और वहाँ पर घूम के शोरूम तक जाने में 100 नहीं होता है, बट होता है 6-7 किलोमीटर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उतना ज़्यादा किलोमीटर वेस्ट करके मेरे को 500-1000 रुपया का तेल गाड़ी में डाल के मेरे को जाना पड़ता है पुरुलिया सर्विसिंग कराने के लिए। और जाके मैं अगर ये वाला रिजल्ट एक्सेप्ट करूँ, मतलब ये वाला रिजल्ट पाऊँ इस गाड़ी के साथ, तो मतलब क्या ही एनर्जी रहेगा भाई शोरूम के लिए। ये तो नेगेटिव पे फैलेगा ही नहीं। मैं आज बोल रहा हूँ आप लोगों को, दूसरे दिन और भी ऐसा छोटा मोटा कोई मिल जाएगा जिसमें वो भी बोलेगा, बड़ा भी कोई मिल जाए, अगर बड़ा यूट्यूबर बड़ा कोई लोग हो जाए वो भी गाड़ी खरीदे, वो भी ऐसा ही चीज़ बोलेगा अगर ये काम करेगा, ठीक है। तो पुरुलिया क्या बोलते हैं उसका नाम पता नहीं उस शोरूम का, और मैं बोलूँगा भी नहीं अभी, बट काम नहीं होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं होता है। मेरा गाड़ी पे प्रॉब्लम अभी भी है और रहेगा, ठीक है। और मैं अभी से तो मैं सोच रही हूँ कि 4th सर्विसिंग है और पता नहीं 8th सर्विसिंग तक लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ मतलब पेड करना पड़ेगा मेरे को, वो मतलब वो फ्री नहीं होगा, लेकिन 4th सर्विसिंग पेड नहीं करना पड़ेगा, फ्री है लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा 4th सर्विसिंग में मैं। और मतलब अभी से लेके शोरूम की मुँह नहीं देखूँगा, एकदम गाड़ी मतलब गंदा फूट जाएगा, मतलब बाहर कोई कर नहीं पाएगा, इतने हैवी गाड़ी है। और हमारा गांव वाला पे यहाँ पर कोई भी ऐसा शोरूम नहीं है, शोरूम नहीं है, ऐसा गैरेज नहीं है जो ये सब ठीक कर पाए। इसका एक पंचर भी हो जाएगा ना, साले लोगों को फट जाता है, बोलते हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सीन है, तो तभी जाएंगे जब ही इसका बड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा। तब तक आप लोग मेरे सपोर्ट पे हो जाओगे अगर सब्सक्राइबर कर दो, तो जल्दी से 200 सब्सक्राइबर कर दो यार। तो वैसे आज के लिए बस, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।